आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आप सबको पता है कि गर्मी अब अपने प्रखर पर है, बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन अभी भी उत्तर भारत बचा हुआ है। अगर हम देखें तो वेदर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं कि गर्मी कैसे पड़ रही है। इससे पहले टेम्परेचर देखते हैं हर जगह का। भद्राचलम में 44 डिग्री सबसे ज्यादा है, झारसुगुड़ा जो आपका ओडिशा में है 43.8 है और भद्राचलम में 44 है, कुरनूल में 43.7, बारीपाड़ा में यानी कि ये भी ओडिशा में 43.6, खम्मम तेलंगाना में 43.4, प्रयागराज जो यूपी में है 43.4, रंटाचिंटला 43, बोलनगीर ओडिशा में 43, कटक ओडिशा 43, नांडियाल 43, अंगुल ओडिशा फिर से 42, फिर नंदीगामा, जलगांव, निजामाबाद, बांकुरा, चंद्रपुर, कड़प्पा, जमशेदपुर, तिरुपति, वाशिम, जयपुर, संबलपुर, टिटलागढ़, भवानीपट्टनम, दतिया, ये सारे इलाके 42 डिग्री से ऊपर बने हुए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि उड़ीसा सबसे ज़्यादा गर्म दिखाई दे रहा है, उसी तरह से ये रायलसीमा का इलाका है, छत्तीसगढ़ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार के कुछ इलाके हैं और ये आप देखिए मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके 40 से ऊपर हैं, राजस्थान भी अब पूरा 40 से ऊपर आ गया है, गुजरात भी ज़्यादातर इलाके 40 से ऊपर हैं। तो इतना ज़्यादा जो देश गर्म हो रहा है वो आपको मालूम है कि अप्रैल और मई सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं और जून के महीने में दक्षिण भारत में मानसून पहुंच जाता है, 1 जून को केरल पर दस्तक देता है, ये नॉर्मल डेट है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और लेकिन उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह में ये जून के आखिर में पहुंचता है। तो जून के शुरुआती जो 10-20 दिन होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं उत्तर भारत के लिए। अभी फिलहाल टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं, दिल्ली में भी 39 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पहुंच गया है। अब दिल्ली, हरियाणा और जो बाकी इलाके हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी 40 डिग्री का आंकड़ा धीरे धीरे पार हो जाएगा, यानी भीषण गर्मी के लिए अब आप तैयार हो जाइए। तो अब देखते हैं कि क्या जो बादल किस तरह से बने हुए हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पहाड़ों पर पहुंच चुका है, इसका असर आप देखिए पूरे पाकिस्तान पर दिखाई दे रहा है, अफगानिस्तान पर दिखाई दे रहा है, बलूचिस्तान है यहाँ पर, यानी उत्तरी और मध्य पाकिस्तान पर है, यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, पहाड़ों पर बादल आना शुरू हो गए हैं। और ये आप देखिए पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात और मध्य प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ विदर्भ में बादल है और कल यहाँ पर बारिश भी हुई थी। उसी तरह से दक्षिण भारत में और पूर्वोत्तर भारत में बादल छाए हुए। अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है आप देख सकते हैं पहाड़ों पर आ गया है, तो इसके प्रभाव से अगले 3 दिनों तक, 26 है आज, 26 अप्रैल है, 26, 27, 28, ये 3 दिन तक जो आपका पूरा ये जो इलाका है यहाँ पर स्नोफॉल होता रहेगा ऊंचे इलाकों में, निचले इलाकों में बारिश होगी और उसी तरह से पंजाब के कई इलाकों में बारिश और स्नोफॉल होगा। पंजाब प्रांत जो है इसका पाकिस्तान का, वहां पर बारिश होगी और ओले भी गिर सकते हैं। उसी तरह से ओलावृष्टि हमें लग रहा है कि बाकी इलाकों में, यानी हिमाचल और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी दिखाई देगी। उत्तराखंड में अपेक्षाकृत बारिश की गति थोड़ी सी कम रहने वाली है। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसकी ट्रफ है और ये आप देखिए समुद्र से भी हवाएं यहाँ पर आ रही है। तो अब पंजाब से शुरू करते हैं पहले, तो पंजाब में अगर हम देखें तो पंजाब में अभी आज बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी शाम तक। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, फजलिका, ये जो इलाके हैं ये बारिश देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बारिश आगे बढ़ेगी। लेकिन जो पश्चिमी यानी पूर्वी जिले हैं जैसे शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, चंडीगढ़, रूपनगर, ये जो इलाके नवांशहर वगैरह, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश होगी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये जो उत्तरी इलाके हैं, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, ये जो इलाके हैं ये कम से कम अगले 2-3 दिनों तक बारिश देखेंगे, कुछ स्थानों पर यहाँ पर ओले भी गिर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि मौसम काफ़ी अच्छा हो जाएगा, सुहावना हो जाएगा। और उसी तरह से हरियाणा के उत्तरी जिलों में तो चंडीगढ़, पंचकूला, यमुनानगर में तो बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों तक रहेंगी। आज ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के जो सिरसा है, फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, करनाल, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें हो सकती हैं, बादल छाएंगे बाकी इलाकों में और बाकी इलाकों में भी हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। दिल्ली में भी बादल छाए हुए हैं, 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जना हो सकती है। आज और कल हल्की फुल्की बौछारें भी पड़ने की संभावना है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं, 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना नजर आ रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में
अभी फिलहाल कोई ज्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। माफ कीजिएगा, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है। गाजियाबाद, मेरठ वगैरह में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन और अगर नीचे जाए, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा, कासगंज, बदायूं, अलीगढ़, ये जो इलाके हैं ये अभी सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, कौशाम्बी, ये सारे इलाके बहुत ज़्यादा गर्म होने वाले हैं। 40 डिग्री से ऊपर तापमान यहाँ पर पहुँच जाएगा। उसी तरह से ये बिहार के ज्यादातर इलाके काफी ज्यादा गर्म है, यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है, वेदर एकदम साफ रहेगा। उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलेंगी, धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। राजस्थान में हालांकि आज एक बार फिर से धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बारा, ये झालावाड़ वगैरह, इन इलाकों में मेघ गर्जना या बारिश की संभावना नजर आ रही है, ये आज रहेगी। और उसके बाद हो सकता है कुछ इलाके जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ पर भी मेघ गर्जना शुरू हो जाए। लेकिन जो वेदर एक्टिविटी है वो उसके बाद हो सकता है कि ये राजस्थान से हट जाए, या 26 तारीख तक ही रहने की संभावना है, और 27 तारीख से पूरा राजस्थान एक बार फिर से साफ हो सकता है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी आज जैसे कि नीमच है, गुना और श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, राजगढ़, अगर मालवा, मंदसौर, रतलाम, झबुआ, उज्जैन, देवास, बड़वरी, खरगोन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, मेघ गर्जना हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। लेकिन बाकी इलाके अभी फिलहाल सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे। और कल 27 तारीख को वेदर एक्टिविटी शिफ्ट हो जाएगी, और वो कैसे शिफ्ट होगी अगर देखें हम ये मॉडल से, तो आप देखिए ये आ गए आपके जबलपुर वगैरह के आसपास आ गए, जबलपुर से नीचे डिंडोरी, मांडला, नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, और ये विदर्भ में आ गई, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना के कुछ इलाकों में, और ये राजस्थान और ये बाकी इलाके लगभग शुष्क हो जाएंगे, इस तरह का मौसम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, गर्म रहेगा, काफी ज्यादा गर्म रहेगा, और भीषण गर्मी का प्रकोप यहाँ पर जारी रहेगा पूरा छत्तीसगढ़, कोरिया, सूरजपुर से लेकर राजनांदगांव और बस्तर, सुकमा, से सारे इलाके। झारखंड में भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, यहाँ पर भी लालटोनगंज वगैरह जो है, जमशेदपुर है, चायवासा, खूंटी, ये बहुत ज्यादा गर्म होने वाले हैं, यहाँ पर 40 डिग्री से ऊपर ही तापमान रहेंगे, और हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से चलती रहेंगी, सूखी रहेंगी, और आसमान साफ रहेगा, चिलचिलाती धूप में गर्मी का बुरा हाल रहेगा। उसी तरह से आपने देखा होगा जो मैंने 25 स्टेशन दिखाए थे गर्मी वाले, उसमें सबसे ज्यादा जो स्टेशन थे वो उड़ीसा में थे। तो उड़ीसा में क्या होता है कि जब तक मौसमी गतिविधियां नहीं होती, मई के मौसम में काल वैसाखी वगैरह आएंगी, प्री मानसून गतिविधियां होंगी, तब थोड़ा राहत मिलेगी, लेकिन गर्मी और उमस सबसे ज्यादा इस इलाके में रहती है, समुद्री हवाएं आ रही होती हैं और ये गर्म काफी ज्यादा होता है, यहाँ पर कोई रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा। गुजरात में आज हो सकता है कि जो बिल्कुल पूर्वी गुजरात है, जैसे कि दहोद है, महीसागर, साबरकांठा, मोडसा, हिम्मतनगर, ये जो है, और पंचमहल, गोधरा, ये जो इलाके, यहाँ पर हो सकता है कुछ वेदर एक्टिविटी हल्की फुल्की हो जाए, बादल तो छाएंगे ही छाएंगे, एक दो स्थानों पर बादल गरज भी सकते हैं, लेकिन बाकी जो इलाके रन ऑफ कच्छ है, जामनगर, मोरबी, देवभूमि द्वारका, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, सुरेंद्रनगर, ये सारे इलाके सूखे और काफी ज्यादा गर्म रहेंगे। अब यहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी अभी आपने देखा होगा कि नासिक वगैरह ये सब इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हुई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो अमरावती, नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंडिया, यहाँ तक चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी, बाकी इलाके सूखे और गर्म रहेंगे, टेम्परेचर यहाँ पर भी अब बढ़ने वाले हैं। गंगा पश्चिम बंगाल में भीषण गर्मी का प्रकोप है, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी गर्मी काफी ज्यादा है, या मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में, क्योंकि जो ये ईस्टर्न पार्ट्स जो है यहाँ पर जो एक असम में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो ये नमी वाली हवाएं यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से क्या होगा कि अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में, पूर्वी असम में अच्छी बारिश है और ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा, बाकी जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ही आपको दिखाई देने वाली है। अब अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक वगैरह में एक बार फिर से मौसम सूख गया है, काफी ज्यादा गर्मी हो गई है, कर्नाटक के कई इलाके, इंटीरियर कर्नाटक का हीट वेव की चपेट में है, कोस्टल कर्नाटका और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में भी गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के कुछ इलाके, आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, कुमराम, भीम, जगताल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है, लाइट टू मॉडरेट रेन, थंडर शावर हो सकते हैं, बाकी जो इलाके हैं वो ड्राई रहेंगे, हॉट रहेंगे।
और अगर कोस्टल आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। उत्तरी कोस्टल आंध्र प्रदेश में बादल वगैरह छा सकते हैं, लेकिन कुरनूल, अनंतपुर, नांडियाल, ये जो अनंतपुर है, चित्तूर है, कड़प्पा, ये सारे इलाके बहुत ही ज्यादा गर्म है। 42, 43 और 44 डिग्री तक के तापमान यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है, पूरा ड्राई रहेगा, शुष्क रहेगा, बहुत ज्यादा गर्म रहने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ जो लक्षद्वीप है ये भी पूरी तरह से गर्म रहने वाला है। तो ये है कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, उत्तर भारत में थंडर शावर वगैरह हो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं देंगे। तो इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप अपना ख्याल रखिए, और इस समय बीमार होने का खतरा है और गर्मी के कारण बीमार होने का बहुत ज्यादा खतरा है, तो अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखिए और पानी वगैरह ज्यादा पीजिए, और जब बाहर निकले तो पानी लेकर के निकले, छाता लेकर के निकले और अपने आप को बचा के रखिए। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।